और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि आज हमारे लोगों का जो मिजाज है वो इल्म सीखने वाला नहीं रहा, आज लोगों का मिजाज सिर्फ जो है वो महाफिल में आकर हिज़्ज़े नफ्स हासिल करने वाला बन चुका है। महाफिल में जाए, वो लच्छेदार तकरीर हम सुने और वहाँ हमारे खून को गरमाया जाए और हम वहाँ अल्लाह अल्लाह कर उठें, नारे लगा लगा के हमारा हाल बुरा हो जाए। लेकिन जब उस महफिल को ख़त्म होती है, उसी बंदे से सवाल करें आपने सीखा क्या इस महफिल से, तो शायद उसके जहन में कुछ बातें हों वो भी ना हों। तो आज हमारा मिजाज बदल चुका है, इस मिजाज को रिवर्ट करने की ज़रूरत है, दोबारा अपने मकाम पर लाने की ज़रूरत है। मकसद ये नहीं है कि आप किसी महफिल में आओ और वहाँ लच्छेदार तकरीर ना हो तो आप ये कहो कि मज़ा ही नहीं आया, तकरीर का कोई चस्सी नहीं आई, कोई स्वाद ही नहीं आया, मौलवी साहब सीधी सीधी गलत करके ठोर गए। तो मेरे भाई आप इसका मतलब है कि सिर्फ लज्जत हासिल करने के लिए आए थे, कुछ सीखने के लिए नहीं आए थे। कोशिश ये करें कि आप किसी भी महफिल में जाएं, कम से कम जितने लोग आप मुझे रेगुलर सुनते हो, आपसे मेरी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप अपना जहन बनाएं कि आप जब भी किसी महफिल में जाते हैं, कभी भी आप टीवी ऑन करते हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, अपने आप से ज़रूर सवाल किया करें, मैंने यहाँ से सीखा क्या, मुझे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कितने पॉइंट्स मिले। अगर महफिल ख़त्म होने के बाद आपके जहन में कुछ भी नहीं कि जिस पर आप अमल कर सकें, तो फिर आप समझ लें कि आपने सिर्फ वहाँ महफिल में टाइम पास किया है, कुछ सीखा नहीं है। और जो मजहब इस्लाम है वो सिखाने के लिए आया है, वो सिर्फ लज्जत सिमाई के लिए नहीं आया कि हम बस ये लच्छेदार तकरीर सुनी बहुत मज़ा आया लेकिन सीखा कुछ नहीं। इसके बरअक्स आपने वहाँ पर लच्छेदार तकरीर तो ना पाई, लेकिन आपने वहाँ जितना टाइम दिया आपने वहाँ 2, 4, 5, 6 बातें सीखी जो आइंदा ज़िंदगी में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। डेट शोज़ कि आपने महफिल में आने का मकसद हासिल कर लिया। तो अपना मिजाज और मूड और टेस्ट को बदलने की ज़रूरत है। हमारा टेस्ट जो है वो आज थोड़ा सा मिजाज शरीयत के ख़िलाफ़ हो चुका है। हमारा जैसे कहते हैं ना कि तबीयत की शरीयत बन चुकी है, शरीयत को हमने अपनी तबीयत के मुताबिक रखा हुआ है। जिस दिन हमने अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक कर लिया, उसी दिन से हमारी कामयाबी का पहला दिन शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो अपना मिजाज बदलने वाली बात है इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।